ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਏ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਰੁਕਨ ਸੁਭਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੀ ਪੀ 30 ਨੇ 201 ਵੋਟ ਲਾਏ। नून लीग के होम ग्राउंड पर चौधरी परवेज इलाही की डबल सेंचुरी। चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। नून लीग के इकबाल गुजर को शिकस्त। परवेज इलाही ने 201 और इकबाल गुजर ने 147 वोट हासिल किए। एक वोट मुस्तरद हुआ। डिप्टी स्पीकर के लिए दोस्त मोहम्मद मजारी और नून लीग के मुकाबले में वारिस अल्लू में मुकाबला हुआ। नून लीग को पंजाब में बगावत का सामना। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से कबल ही वोट फॉरवर्ड। चौधरी परवेज इलाही अपने टारगेट से भी 16 वोट से जायद ले गए। नून लीग के उम्मीदवार इकबाल गुजर को अंदाजे से भी 15 वोट कम पड़े। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोटों की तादाद 186 थी, जबकि नून लीग को 162 में से 147 वोट मिले। चौधरी परवेज इलाही की हल्फबरदारी और खिताब के दौरान शदीद हंगामा आई। ऐवान मछली मंदी बना रहा। लीगी अराकीन नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर गो स्पीकर को किनारे लगाते रहे। ऐवान के बाहर परवेज इलाही के हक में नारे, मिठाई तकसीम। वोट देने वालों और एहतजाज करने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हम नेक नीयत लोग हैं, कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। पंजाब के अवाम को कारकर्दगी और कानून साजी का जवाब देना है। हम सब मिलकर अफाम व तफीम के साथ ऐवान को चलाएंगे। चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली से खिताब। पंद्रह वोट किधर गए? लीगी की आदत टेंशन में आ गई। स्पीकर के इंतखाब में अददी कुव्वत से कम वोट मिलने पर हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म। खाजा साद रफीक और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर अता तारड़ पर दो रुकनी कमेटी तश्कील। हमजा शहबाज कहते हैं पीटीआई और काफ लीग ने खरीदो फरोख्त की सियासत की। मनफी सियासत का जवाब मुस्तकबिल में अपने किरदार से देंगे। और पीपल्स पार्टी के स्पीकर के इंतखाब के लिए नून और जुनून को ना। आसिफ जरदारी की पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा को पोलिंग अमल से लातालुक रहने की हिदायत। नून लीग ने हमारे तहफ्फुज़ात दूर नहीं किए, क़यादत को सड़कों पर घसीटने के बयान दिए गए। हसन मुर्तजा का नून लीग को वोट ना देने पर रद्द अमल।